नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों जैसा कि SSC CGL 2018 का एग्ज़ाम हुआ और सभी बच्चों ने लगभग सभी लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा, या अगर आपने नहीं दिया होगा तो अगली बार देने का सोच रहे होंगे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि हम इसमें CGL 18 के टाइम एंड वर्क के सभी शिफ्ट के क्वेश्चंस करेंगे जो पूछे गए आपके एग्ज़ाम में, एक्चुअल हूबहू वही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और ये जो आपको मिलेगा इसका PDF भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। और एक काम करें, अगर आप PDF डाउनलोड कर रहे हैं तो लोगों से शेयर करें, जिससे और लोगों का भी भला हो, क्योंकि बड़ी मेहनत से बनाया गया है ये PDF। एक एक क्वेश्चन ढूंढा गया, क्वेश्चन को लिखा गया, फिर तैयार किया गया PDF, सारी चीज़ें की गई, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अभी हम टाइम एंड वर्क और वर्क एंड वेजेस का कर रहे हैं, ऐसे सारे चैप्टर वाइज हम बना लेंगे टॉपिक वाइज, और सबका PDF और आपको क्लास प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। आशा करता हूँ आपके लिए बेनिफिशियल होगा, सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होगा, चाहे वो SSC के हों, चाहे वो रेलवे के हों, सबके लिए, क्योंकि SSC अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछती है। तो चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पे। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, कहा गया कि ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात, एक मिनट थोड़ा सा नीचे करेंगे, ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 2:5:3 है। एक साथ काम करने पे वह तीनों उसे 27 दिन में पूरा कर लेते हैं। बी और सी मिलकर दोनों उस काम के 4/9 हिस्से को कितने दिन में करेंगे, आपसे कहा गया, ठीक है। अब देखिए, आपको दक्षता का इफिशियंसी का रेशियो दिया गया 2:5:3, यानी कि अगर ए दो काम करता है तो बी 5 काम करता है और सी 3 काम करता है, ठीक है। अब अगर आपसे कोई कहे कि तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आप कहेंगे जी ए प्लस बी प्लस सी मिलके कितना काम करेंगे, 2, 5, 7, 3, 10, यानी कि 10 कार्य करेंगे। और इन तीनों को मिलके काम को करने में कितना दिन लगता है, 27 दिन, इसलिए टोटल वर्क हो जाएगा आपका 10 यूनिट अगर एक दिन में हो रहा है, तो 27 दिन में 270 यूनिट, यानी कि हम मान सकते हैं कि आपका टोटल कार्य क्या है, 270 यूनिट। अब आपसे पूछा गया कि बी और सी मिलकर दोनों काम के 4/9 हिस्से को, 270 का 4/9 हिस्सा कितना हो गया, यानी कि 4/9 × 270, यानी कि इनको करना है 120 यूनिट कार्य करना है, करना कितना है 120 यूनिट। और बी और सी मिलकर एक दिन में कर कितना रहे हैं, आप कहेंगे जी बी और सी को जोड़ लीजिए, तो बी और सी को अगर आप जोड़ेंगे तो 5, 3, 8, एक दिन में हो रहा है 8, करना है 120, तो दिन कितने लगने वाले, 15। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, 15 दिन, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया गया है, सेम क्वेश्चन एकदम पूछा गया है 2-3 शिफ्ट में। तो देखिए, कहा गया है ए बी सी की दक्षताओं का जो अनुपात है वो 4:5:3 है। आपसे कहा गया है एक साथ काम करने में 25 दिन में करते हैं, ए और सी मिलकर काम का 35%। अब मैं इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ, 4, 5, 9, 3, 12, 12 को 25 से गुणा कर दीजिए, जितना काम आए उसको 25 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। अब इसका 35% करना है, यानी कि 35% कितना हो जाएगा, 35/100, और किसको करना है, ए और सी को, तो ए और सी का जोड़ दीजिए 4, 3, 7, बस सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि 7 से 35 कट के 5 हो जाएगा, 25 × 100 हो जाएगा, 4 से 12 कट के 3 हो जाएगा, यानी कि कितने दिन लगेंगे, 15 दिन, कितने दिन लगेंगे, 15 दिन। आते हैं अगले प्रश्न पे, सारे क्वेश्चन आप खुद भी ट्राई करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, कहा गया है आपसे द रेशियो ऑफ इफिशियंसीज ऑफ ए बी सी इज 7:5:4 वर्किंग टुगेदर, दे कैन फिनिश अ वर्क इन 35 डेज, ए वर्क टुगेदर फॉर 28 डेज, द रिमेनिंग वर्क विल बी कम्प्लीटेड इन। देखिए, ए करता है 7 कार्य, बी करता है 5 कार्य और सी करता है 4 कार्य, यानी कि अगर हम तीनों को बात करें कि तीनों मिलके कितना करते हैं, तो आप कहेंगे जी 7, 5, 12, 4, 16, एक दिन में कर रहे हैं 16, इन्होंने कितने दिन में कार्य पूरा किया है, 35 दिन में, तो आपका टोटल वर्क बराबर हो जाएगा, टोटल वर्क बराबर 16 × 35, तो ये आपका हो गया 560, यानी कि आपका टोटल कार्य हो गया 560 यूनिट, ठीक है। अब कहा गया है कि तीनों ने मिलकर 28 दिन कार्य किया, यानी कि 16 लोगों ने मिल 16 काम अगर पर डे हो रहा है, 28 दिन हो गया, अब आपको करना कितने लोग, कहा गया कि फिर ए ने छोड़ दिया, यानी कि
16 काम 28 दिन तक हुआ तो बचा कितना है, 16 काम पर डे हो तो 7 दिन का काम बचा है। अगर तीनों मिलके कार्य करते तो 28 दिन तो कर ही चुके हैं, बचता कितना 7 दिन का। तो यानी कि अगर 16 पर डे होता तो 7 दिन का काम बचा था, यानी कि हमारा बचा कितना काम था 16 × 7। अब करेगा कौन कौन, सी अलोन को कहा गया, सी अकेले कितने दिन में करेगा। आपको पता है कि 16 × 7 काम हमारा बचा हुआ है, ठीक है, 16 × 7 कार्य बचा हुआ है हमारा, और एक मिनट, हाँ 16 × 7 कार्य बचा हुआ है और कहा गया सी को अकेले पूरा करना है। आपको दिया गया सी एक दिन में कितना करता है, 4 कार्य, यानी कि करेंगे कितना 16 × 7, कितना दिन लगेगा बटे 4, यानी कि 4 × 16 ये आपका 28 डेज आ जाएगा, 28 डेज, ठीक है 28 डे। लेकिन 28 ना कि यहाँ 56 आ रहा है, एक बार हम चेक करेंगे कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं, ठीक है 16, ठीक है 28 दिन कर लिया, 35 दिन करना है, रिमेनिंग वर्क विल बी कम्प्लीटेड, एकदम करेक्ट हमने किया है। ये 56 कैसे आ रहा है आप लोग चेक करेंगे, ठीक है एकदम करेक्ट हमने किया है। ए बी और सी मिलके के एक दिन में कर रहे हैं, 7, 5, 12, 4, 16, 35 दिन इनको लगना चाहिए लेकिन 28 दिन काम हो चुका है, यानी कि 7 दिन का काम 16 के हिसाब से बचा है, कार्य बचा है 16 × 7, एक दिन में सी करेगा 4 तो कितने दिन लेंगे 16 × 7/4 यानी 28 दिन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, आंसर गलत दिया था इस क्वेश्चन का। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कहा गया है, कहा गया पाइप ए और बी क्रमशः 1 घंटे और 2 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं, लिखेंगे हम ए और बी, लिखिए चलिए, ए कितने में भर सकता है 1 घंटे में, बी भर सकता है 2 घंटे में, ठीक है। कहा गया सी भरे हुए टैंक को 1 घंटे 15 मिनट में खाली कर सकता है, यानी कि सी 5/4 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है, ठीक है। कहा गया ए और सी को 9 बजे एक साथ चालू किया जाता है, 2 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाता है, बी को चालू कर दिया जाता है, टैंक कब खाली होगा। अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर ए 1 घंटे में एक टैंक खाली कर देता है, यानी कि ये अगर टैंक की कैपेसिटी 1 यूनिट है तो ए 1 घंटे में 1 यूनिट कार्य करता है, ठीक है, बी 2 घंटे में 1 यूनिट यानी कि 1/2 यूनिट 1 घंटे में, और सी 5/4 घंटे में 1 यूनिट तो 1 घंटे में 4/5 यूनिट खाली करता है, डन। अब कहा गया ए और सी को 9 बजे एक साथ शुरू कर दिया गया, यानी कि ए और सी, ए 1 यूनिट भरता है और सी 4/5 यूनिट खाली करता है, यानी कि ए और सी अगर बात किया जाए कि दोनों मिलके कितना काम करेंगे तो 1 भरेगा 4/5 खाली करेगा, यानी कि 1/5 यूनिट कार्य 1 घंटे में होगा। कहा गया लेकिन 2 ही घंटे ऐसा हुआ, यानी कि 2/5 यूनिट भर चुका है, अब बचा है 2/5 यूनिट भरा जा चुका है, ठीक है 2/5 यूनिट आपकी टंकी भरी जा चुकी है। कहा गया अब ए को बंद कर दिया गया, यानी कि ए का काम खत्म, अब कहा गया कि बी को चालू कर दिया जाता है तो टैंक कब खाली होगा, बी भरता कितना है 1/2 यूनिट, सी खाली कितना करता है 4/5 यूनिट, तो अगर हम बात करें 1 घंटे में टैंक हमारा खाली कितना होगा तो आप कहेंगे जी 1/2 भरा जा रहा है, 4/5 इसमें से घटा दीजिए, यानी कि ये हो गया 5 - 8 यानी 3/10, 3/10 भाग 1 घंटे में खाली होगा, आपको खाली कितना करना है 2/5, तो समय कितना लगेगा 2/5/3/10 यानी कि ये 4/3 घंटे हो जाएगा, 4/3 घंटे यानी कि 1 सही 1/3 घंटे, 1 सही 1/3 घंटे अभी भी खाली होने में लगेगा। अब एक चीज़ बताइए 1 सही 1/3 घंटे कब लगेगा, जब 9 बजे शुरू हुआ 11 बजे तो ये बंद हो गया, 11 बजे और 11 बजे के बाद 1 सही 1/3 घंटे यानी कि 12 सही 1/3 यानी कि 12:20 पे टंकी हमारी पूरी खाली हो जाएगी, डन। आते हैं अगले प्रश्न पे, चलिए देखिए कहा गया किसी काम को करने के लिए ए बी और सी की क्षमता का अनुपात 7:5, 5:6 है, एक साथ काम करते हुए वे उस काम को 35 दिन में कार्य कर सकते हैं, बी और सी ने मिलकर 21 दिन कार्य किया तो शेष काम को ए द्वारा अकेले कितने दिन में किया जाएगा। देखिए ए बी सी ये 7 कार्य कर रहे हैं भाई साहब, ये 5 कार्य कर रहे हैं, ये 6 कार्य कर रहे हैं, ठीक है। अब कहा गया एक साथ काम करते हुए 35 दिन में पूरा कर सकते हैं, अच्छा एक साथ करेंगे अगर तीनों तो जोड़ दीजिए ए प्लस बी प्लस सी मिलके कितना करेंगे 18 कार्य एक दिन में कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कहा गया है कि ये कितने दिन में कर सकते हैं पूरा कार्य, 35 दिन में, यानी हम माने तो आपका टोटल कार्य हो गया 18 × 35 यूनिट, ठीक है। अब कहा गया बी और सी ने मिलके 21 दिन काम किया, यानी कि 5, 6, 11 हो रहा है, 11 कितने दिन तक हो रहा है 21 दिन तक, यानी कि आपका कितना काम हो चुका 11 × 21 यानी कि ये आपका हो गया 231, आई एम राइट 231 ही होगा, ठीक है 231 हो चुका है, करना कितना था, सॉरी 231 हो चुका है आपका और करना कितना था
630, 18 × 35 करना था, यानी कि अब करना कितना रह गया, आप कहेंगे जी 399 करना है, 399 करना है, ए अकेले करना है, ए अकेले एक दिन में 7 काम कर रहा है तो दिन कितने लगने वाले हैं, आप कहेंगे जी इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, एक दिन में 7 हो रहा है, करना है 399, तो 7 × 35 749, यानी कि कुल कितने दिन लगने वाले हैं, 57 दिन, 57 दिन लगने वाले हैं। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए ये क्वेश्चन एकदम सेम है, मैं थोड़ा फास्ट करूंगा, आप ध्यान दीजिएगा। कहा गया ए बी सी की दक्षता का अनुपात 5:5, 3:8 है, वह एक काम को मिलकर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जोड़िए 5, 3, 8, 8, 16, कुल कार्य हो गया हमारा 16 × 30 यानी कि 480 यूनिट हमारा कुल कार्य हो गया, डन, 480 यूनिट हमारा कुल कार्य हो गया। अब कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, कहा गया है ए और बी ने मिलकर 20 दिन तक कार्य किया, ए और बी मिलकर कितना काम करेंगे, 5, 3, 8, ए और बी मिलकर एक दिन में करते हैं 8 कार्य, किया कितने दिनों तक, आप कहेंगे जी 20 दिनों तक, यानी कि कितना कार्य किया, 160 यूनिट कार्य कर लिया है। अब बचा कितना है, 480 टोटल था, 160 हो गया, यानी कि बचा है आपका 320 यूनिट, और कौन करेगा वो काम, आपसे कहा गया सी को अकेले करना है, सी अकेले कर रहा है 8 काम, करना है 320 काम, तो दिन कितने लगेंगे, 320/8 यानी कि 40 दिन, आपका आंसर आ गया सेकेंड। आते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए ये क्वेश्चन फटाफट बताइए, ए बी सी की दक्षताओं का अनुपात 7:5, 5:8 है, आपसे कहा गया है कि वह एक साथ मिलकर 42 दिन में कर सकते हैं, क्वेश्चन देखिएगा, 7, 5, 12, 8, 20, 20 कार्य अगर पर डे हो तो 42 दिन में कार्य हमारा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन कहा गया बी और सी ने मिलकर 21 दिनों तक कार्य किया, यानी कि बी और सी मिलकर 5, 8, 13 करते हैं, 13 काम प्रतिदिन करते हुए 21 दिन तक कार्य हुआ, यानी कि बचा कितना, 20 × 42 कुल था, 13 × 21 हो चुका, इतना बचा है, और किसको करना है, ए को अकेले, शेष कार्य को ए ने अकेले पूरा किया, यानी ए एक दिन में कितना करता है, 7, 7 से काट दीजिए, 7 से काटिए तो ये कितना हो जाएगा, 7 × 7, 7 × 21, 7 × 6, 42 यानी 120 − 39, यानी आपका हो गया 81 दिन लगा। अब एक चीज़ बताइए, बी और सी ने 21 दिन किया, ए ने 81 दिन किया, पहले बी और सी 21 दिन तक करते हैं, फिर ए जाते हैं 81 दिन तक करते हैं, तो टोटल दिन कितना लगा, 21 + 81 यानी कि 102 दिन, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं कंपटीशन प्रिपरेशन को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना ना भूलें। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक निश्चित काम पूरा करने के लिए ए और बी बारी बारी एक एक दिन कार्य करते हैं, यानी कि ए पहले दिन जाएगा, सॉरी पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कहा गया है एक एक दिन कार्य करते हैं, जिसमें बी पहले दिन कार्य शुरू करता है, यानी कि बी पहले दिन जाएगा, पहले दिन, तीसरे दिन, पांचवें दिन, सातवें दिन, नौवें दिन और 11वें दिन। ठीक है, और चूंकि अल्टरनेट डे पे जाता है, यानी कि बी अगर पहले दिन चला गया तो ए दूसरे दिन जाएगा, चौथे दिन, छठे दिन, आठवें दिन, दसवें दिन, और ये जो 1/3 दिन हो रहा है यानी 12वें दिन का 1/3 हिस्सा ये कार्य करके आएगा। ठीक है, अब देखिएगा कहा गया है, अब आपको पता चल गया बी कितने दिन काम करता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बी करता है 6 दिन कार्य। ठीक है, और ए 1, 2, 3, 4, 5 सही 1/3 दिन कौन करता है, ए करता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा आपको क्या कहा गया है, कहा गया है कि ए अकेले 48 दिन में कर सकता है, ए अगर अकेले 48 दिन में कार्य कर सकता है तो एक दिन में करता कितना होगा, 1/48। अच्छा, इसने कार्य कितने दिन किया है, 5 सही 1/3 यानी कि 16/3, अगर ए एक दिन में 1/48 कार्य करता है तो 16/3 दिन में 16/3 से गुणा कर देंगे, यानी कि आपका आ जाएगा 16 × 16, 16 × 3, 48 यानी कि 1/9 कार्य तो ए ने किया, 1/9 कार्य ए ने किया। अब बी ने कितना कार्य किया, अगर किसी काम का 1/9 हिस्सा ए ने कर लिया तो बी ने कितना किया, आप कहेंगे जी बी ने तो 8/9 किया होगा, बी 8/9 कार्य करता है 6 दिन में, बी 8/9 कार्य करता है 6 दिन में, यानी कि बी एक कार्य करेगा, आप कहेंगे जी तो बी 8/9 कार्य करता है 6 दिन में, तो बी एक कार्य करेगा 6 × 9/8 दिन में, 6 × 9/8 दिन में बी एक काम कितने दिन में करेगा, एक मिनट देखिए, बी 6 दिन में करता है 8/9 काम, या हम थोड़ा सा पलट लें कि बी 8/9 कार्य करता है 6 दिन में, यानी कि बी एक काम कितने दिन में करेगा, 6 × 9/8 दिन में। ठीक है,
बी पूरा काम कितने दिन में करेगा, 6×9/8 दिन। लेकिन आपसे कहा गया है कि बी को करना कितना है उस काम का 4 गुना, यानी कि एक काम करने में अगर इतने दिन लगते हैं तो 4 काम करने में कितने दिन लगेंगे? आप कहेंगे जी 4 काम करने में 4×6×9/8, 4×1=4, 4×2=8, तो आपका हो गया 54/2, यानी कि 27 डेज। आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 4। आते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए ये क्वेश्चन एकदम देखिए, आपकी बार कार्य क्षमता को तो इन्होंने मतलब मौसी का घर समझ लिया था। इतना क्वेश्चन पूछा, कहा गया ए बी सी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:5:1 है, वो एक साथ काम करते हुए इस काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि 3, 5, 8, 1, 9, 9, 5 दिन में, यानी कि टोटल कार्य हमारा हो गया 45 यूनिट। कहा गया ए और बी ने 3 दिनों तक एक साथ कार्य किया, ए 3 काम करता है, बी 5 काम करता है, तो ए प्लस बी 3 दिन में कितना काम करेंगे? ए प्लस बी 1 दिन में करते हैं 3+5 यानी कि 8 काम, तो 3 दिन में करेंगे 24 कार्य, यानी कि आपका 24 यूनिट कार्य हो चुका है। टोटल 45 यूनिट था, 24 यूनिट कार्य हो चुका है, यानी कि बचा कितना? आप कहेंगे जी 21 यूनिट। 21 यूनिट को करेंगे कौन? सी भाई साहब। सी भाई साहब 1 दिन में करते हैं 1 काम, तो 21 यूनिट काम को करने में 21 दिन लगेंगे। आपका ऑप्शन 1 सही था। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। तो लाइक वाइक कर दीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन भी सेम है, आप बताइए इस क्वेश्चन को डायरेक्ट हम करेंगे, वही क्वेश्चन तो है 3, 5, 8, 1, 9, टोटल काम 45 हो गया, ए प्लस बी ने 3, देखिए 2 शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन आ गया, ए प्लस बी ने 3 दिन काम कर लिया, यानी कि 5 + 8, 8 + 24 काम हो गया, यानी कि बचा 21 काम, 21 को सी अकेले करेंगे, यानी 21 दिन लगेंगे। आपका करेक्ट आंसर 1 हो गया। ठीक है, 2-3 शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन पूछ लिया गया। चलिए बताइए, कहा गया एक कार्य करने के लिए ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 7:5, 3:5 है, एक साथ काम करते हुए 21 दिन में करते हैं, यानी कि 21 दिन में कब करते हैं? जब 1 दिन में 15 यूनिट काम होता है, 7, 3, 10, 5, 15, यानी कि आपका हो गया 315 यूनिट कुल कार्य। ठीक है, कहा गया 15 दिनों के लिए ए और सी ने एक साथ कार्य किया, ए और सी 1 दिन में करते हैं 12 कार्य, तो 15 दिन में कितना क्या होगा? 12×15 यानी कि 180 यूनिट कार्य हो चुका है, 180 यूनिट कार्य हो चुका है। 315 टोटल था, 180 हो चुका है, यानी बचा कितना? आप कहेंगे जी 135 बच गया। 135 यूनिट कौन भाई साहब करेंगे? सी भाई साहब। सी भाई साहब 1 दिन में करते हैं 5 यूनिट, तो 135 यूनिट के लिए इनको कितने दिन लगने वाले हैं? 180 कार्य हो गया। ठीक है, सॉरी शेष कार्य बी को पूरा करना है, बी भाई साहब 1 दिन में करते हैं 3 कार्य, 3 ये वाला है, बी भाई साहब 1 दिन में यहाँ पे देखिए 3 कार्य करते हैं, करना कितना है? 135, तो कितने दिन लगने वाले हैं? 135/3 यानी कि 45 दिन। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत आसान क्वेश्चन आया था, अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन पैटर्न कुछ शिफ्ट में चेंज हुआ। कहा गया बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है, यानी कि बी और ए की अगर तुलना की जाती है तो हमें मिलता है ए ज़्यादा दक्ष है। अगर बी 1 दिन में 5 यूनिट कार्य करता है तो ए हमें पता चलता है 7 यूनिट कार्य करता है, 2 ज़्यादा यानी कि 40% ज़्यादा, और तथा बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है, यानी कि बी की तुलना में सी जो है वो 20% कम दक्ष है, यानी कि 5 यूनिट अगर बी करता है तो सी कितना करता है? 4 यूनिट। ठीक है, अब कहा गया, ध्यान दीजिएगा, कहा गया एक साथ मिलकर वह तीनों किसी कार्य को 5 दिन में करते हैं, 1 दिन में तीनों मिले तो कितना काम करेंगे? 4, 5, 9, 7, 16, 1 दिन में तीनों मिलके 16 यूनिट कार्य करते हैं। और कहा गया है तो जब अगर तीनों मिल जाते हैं तो कितने दिन लगते हैं? 5 दिन, यानी कि अगर 16 यूनिट 1 दिन में हो रहा है तो 5 दिन लगते हैं, यानी कि टोटल कार्य हमारा हो गया 80 यूनिट। ठीक है, अब कहा गया ए अकेले उस कार्य का 70% कितने दिन में पूरा करेगा, यानी कि 80 यूनिट का 70% कितना हो गया? आप कहेंगे जी 56 यूनिट। 56 यूनिट कार्य करना है किसको? ए को। ए 1 दिन में करते हैं 7 यूनिट, करना है 56 यूनिट, तो टोटल डेज कितने लगेंगे? आप कहेंगे 56 यूनिट में 7 यूनिट से भाग दे दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 8, तो आपका 1 ऑप्शन सही है। ठीक है, बोलते बोलते जुबान लड़खड़ा गई। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए ये क्वेश्चन सेम है, देखिए बी के तुलना में ए 40% हम लिखते हैं, बी एक मिनट थोड़ा सा मिटा लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बी, ये लिखते हैं ए, ये लिखते हैं सी। ध्यान दीजिएगा, कहा गया है कि बी की तुलना में ये 40% अधिक दक्ष है, यानी कि अगर ये 5 है तो ये भाई साहब 7 हैं और सी 4 हो जाएगा। ठीक है, कहा गया एक साथ काम करते हुए तीनों किसी कार्य को 20 घंटे में पूरा कर सकते हैं। एक मिनट, हमने क्या किया था कि बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है, यानी कि हमने बी ए सी को माना, बी ए और सी को,
यानी कि बी 5 है तो ए 7 और सी 4 है, ठीक है। कहा गया एक साथ कार्य करने पे वे तीनों एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते, 20 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 4, 5, 9, 7, 16 अगर एक दिन में हो तो 20 दिन लगते हैं, यानी कि टोटल कार्य हो गया 16 × 20 यानी कि 320 यूनिट, ठीक है। अब करवाना किसको है, ए को करना है 35% 320 का। अब 320 का 35% कितना हो जाएगा, 320 × 35/100। और ये करेंगे कौन भाई साहब, ए, ए मतलब एक दिन में 7 करते हैं, 7 से 1 कट गया ये 5 हो गया, 5 से 100 कट गया ये 20 हो गया, 20 से 320 में भाग देंगे तो आपका 16 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, कहा गया बी की तुलना में ए 50% अधिक दक्ष है, यानी कि बी अगर 4 कार्य करता है तो ए कितना करता है, 6 कार्य करता है। कहा गया बी की तुलना में सी 40% कम दक्ष है, यानी कि अगर सी की बात की जाए तो 4 का 40% यानी कि 1.6 कम, यानी कि सी कितना करता है, 2.4 काम करता है, ठीक है। कहा गया एक साथ कार्य करने पे वह तीनों एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि 6, 4, 10, 2, 12.4 अगर एक दिन में हो रहा है, 12.4 एक दिन में हो रहा है तो 10 दिन में लग करते हैं, यानी कि टोटल कार्य कितना हो गया, 12.4 एक दिन में 10 दिन होता है, यानी कि 124 यूनिट हमारा कुल कार्य हो गया, ठीक है। अब कहा गया अकेला ए उस कार्य का 150% कितने दिनों में पूरा करेगा, 150% मतलब इसका 3/2, यानी कि आपका हो गया 3 × 6, 3 × 6 = 18, 186, एम आई राइट, हाँ बिल्कुल सही हूँ। तो 186 काम करना है किसको, ए को, ए एक दिन में करते हैं 6 काम, तो 186 काम करने में आप कहेंगे जी 186 को 6 से भाग कर दो, यानी कि 31 डेज, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिएगा, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन दो शिफ्ट में पूछा गया। ये क्वेश्चन हमने कैसे किया, देखिए बी ए, बी की तुलना में यानी ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, सी हमने माना 2.4 हो गया, ठीक है। तीनों मिल के यानी कि तीनों जोड़िए तो 2.4 + 4 + 6 यानी 12.4 अगर एक दिन में हो रहा है तो 10 दिन लगते हैं, यानी कि टोटल 124 यूनिट हमारा कार्य हो गया। अब ए को करना है इसका 3/2, यानी कि 1/86 करना है, ए भाई साहब एक दिन में करते हैं 6, 186 करने में 31 दिन, ठीक है, मैं फिर से समझा रहा हूँ। आते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए ये क्वेश्चन आपको करना है, बताइएगा धड़ाधड़ आंसर करिए। ये क्वेश्चन देखिए सेम पैटर्न एसएससी ने इस बार फॉलो किया, बी की तुलना में ए 50% अधिक दक्ष है, यानी कि बी अगर 4 करता है तो ए हमारा 6 करता है, हम 4-6 के पीछे पड़ गए हैं। सी बी की तुलना में 40% कम दक्ष है, यानी कि आपका 2.4 ये भाई साहब हो गए। कहा गया एक साथ कार्य करने पे वो 20 दिन में करते हैं, फटाफट कैलकुलेट कर लीजिए, 2 + 4 + 6 = 12.4 अगर एक दिन में हो रहा है तो कितना दिन लग रहा है, 20 दिन, यानी कि आपका टोटल काम हो गया 248 यूनिट टोटल कार्य हो गया। कहा गया सी अकेला उस कार्य का 30%, 248 का 30% कितना हो जाएगा, आप कहेंगे जी 248 × 0.3 कर लीजिए तो ये हो गया 3×8 = 24, 3×4 = 12 और 2×14 × 3×6 = 7, 744 यानी कि 74.4 करना है, किसको करना है, सी को, सी एक दिन में कर रहे हैं 2.4 करना है 74.4, तो दिन कितने लगने वाले हैं, आप कहेंगे जी बहुत कम दिन, कितना 74.4 / 2.4 पॉइंट कट गया, 4 से काटिए 4×6 = 24, 4×18 = 186 में 6 से भाग देंगे 31, फिर इसका भी आंसर 31 आ गया। आते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए ये क्वेश्चन बताइए, कहा गया ए बी सी की दक्षता का अनुपात 2:3:5 है, वह तीनों मिलकर एक साथ कार्य को 6 दिन में, अब ये मैं फास्ट सुपर फास्ट स्पीड से कर रहा हूँ, 2 + 3 + 5 यानी कि 2, 3, 5, 5, 10 एक दिन में हो रहा है, 6 दिन में 60 कार्य हो रहा है, ठीक है। कहा गया ए अकेले उस कार्य के 20% भाग को, 60 का 20% यानी कि 12 को करना है, ए एक दिन में कर रहा है 2, तो कितने दिन लगेंगे, 12/2 यानी कि 6 दिन, आपका आंसर हो गया 4, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, कहा गया है ए बी, एक मिनट जूम कर रहा हूँ थोड़ा सा, चलिए दिख रहा होगा, कहा गया ए बी सी की दक्षताओं का अनुपात 2:5:3 है, तीनों मिलके 9 दिन में करते हैं, 2, 5, 7 और 3, 10 9 दिन में करते हैं, यानी टोटल काम हो गया हमारा 90। कहा गया सी अकेले उस कार्य के 40% भाग को, 90 का 40% हो गया 36 करना है, सी अकेले एक दिन में कर रहे हैं 3 कार्य, तो 36 में 3 से भाग दे देंगे, यानी कि टोटल डेज आ जाएंगे 12, 36 कार्य करना है 12 दिन में कर लेंगे, क्योंकि एक दिन में 3 कार्य करते हैं, आपका ऑप्शन थर्ड हो गया। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई तो क्यों, किसका वेट कर रहे हो, कर डालो,
चलिए ये क्वेश्चन करिए, ए बी सी की दक्षता का अनुपात 2:5:5, इतना 2:5:3 आ गया कि पागल हो गए बच्चे। तो जोड़िए 2, 5, 7, 3, 10, 10 कार्य करते हुए 12 दिन यानी कि 120 यूनिट टोटल कार्य हो गया। इसका 30% यानी 36 करना है। ए भाई साहब एक दिन में कर रहे हैं दो काम, तो टोटल दिन लगने वाले हैं 36/2 यानी कि 18 दिन। अब अगर कोई कहे एसएससी सीजीएल में बहुत टफ क्वेश्चन आए हैं मैथ्स के, थप्पड़ मारना मुंह पे, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, टाइम एंड वर्क तो कतई नहीं आए। चलिए ये क्वेश्चन बताइए, कहा गया है ए बी सी कार्य जिनकी कार्य क्षमता का अनुपात 5:5:3:2 है। आप फटाफट वही मेथड लगाइए, 5, 3, 8, 2, 10। आप कहेंगे जी 10 एक दिन में हो रहा है, 21 घंटे में हो रहा है यानी कि 21 × 10 हमारा कार्य हो गया 210 यूनिट। कहा गया बी अकेला उस कार्य के 40% भाग, 210 का 40% हो जाएगा 84। 84 को करना है बी को, बी अकेला एक दिन में कर रहा है तीन कार्य यानी कि 3 से भाग कर देंगे तो टोटल घंटे लगने वाले हैं 28 आवर्स। यहाँ पे दिन दिया होता तो दिन, घंटे दिए हैं घंटे। आते हैं अगले प्रश्न पे, चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। कहा गया ए प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करता है और 80 रुपये प्रति घंटे की दर से कमाता है। बी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करता है और 60 रुपये प्रति घंटे की दर से कमाता है। कहा गया ए और बी की प्रतिदिन मजदूरी का अनुपात क्या। देखिए ए करता है 8 घंटे और ए को 1 घंटे के लिए मिलता है 80 रुपये यानी कि एक दिन में उसको कितना मिलता है 640 रुपये। अरे 80 एक घंटे के लिए, 8 घंटे करता है तो टोटल 80 × 8 आपका 640 हो जाएगा। सिमिलरली इन केस ऑफ बी, बी डस कितने घंटे करता है 6 आवर्स इन अ डे और एक घंटे का वो चार्ज कितना करता है 60 रुपये यानी कि इसका हो जाएगा 60 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से 6 घंटे का 360। आपको दैनिक मजदूरी आ गई, दैनिक मजदूरी आपकी आ गई यानी कि वेजेस आ गए 640 और 360, इसी का आपको निकालना है अनुपात। निकाल लीजिए, काटिए 40 से काटिए, 40 9 40 16, तो ये 16:9 आपका अनुपात आ गया, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पे और ये लास्ट क्वेश्चन होगा टाइम एंड वर्क का, क्योंकि 24 क्वेश्चंस टोटल आए थे, मैंने 24 क्वेश्चन नहीं बस हो गया। तो गाइस ये था आपका लेक्चर हमारे द्वारा जो आपको प्रोवाइड किया गया। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको पता होगा कंपटीशन प्रिपरेशन एक चैनल नहीं एक परिवार है। इस कोई इन क्वेश्चंस की जो पीडीएफ लिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस खुद करें, कुछ कहीं नोट कर डालें, क्वेश्चन बहुत आसान आ रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल अपकमिंग एग्जाम्स। जय हिंद, वंदे मातरम।